हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है बीएससी पार्ट थर्ड के लिए, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग। हाइजेनबर्ग ने जो सिद्धांत दिया वो दिया 1927 में। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, इस नियम के अनुसार जो मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते थे, यानी कि स्थूल इकाई जो बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते थे, तो वो अगर गति कर रहे हैं तो उनकी गति के साथ साथ किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक क्षण पर उनकी स्थिति और उस स्थिति पर उस कण का संवेग, उसका हम यथार्थतापूर्वक मापन कर सकते हैं, उनको मापना संभव होता है। परंतु जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, सूक्ष्म स्तरीय जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी स्थिति और उस स्थान पर उसके साथ साथ संवेग को एक साथ निश्चितता पूर्वक नापना संभव नहीं होता। इसलिए द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर ए पार्टिकल ऑफ एटॉमिक डायमेंशंस इन मोशन, कोई पार्टिकल अगर मोशन में है, It is not possible to determine both the position and momentum simultaneously with perfect accuracy. उसकी स्थिति और उसके संवेग को एक साथ एक ही समय पर एक्यूरेसी से मापना संभव नहीं होता। अर्थात यदि किसी कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही समय में पूर्ण रूप से यथार्थता पूर्वक मापन नहीं किया जा सकता। जैसे कि यदि हम इसमें बोर का, मैक्स बोर का अगर एग्जाम्पल लें, तो उसमें क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली देयर विल बी अ वेव वेव एसोसिएट विद इट। इसके साथ क्या होगी, एक वेव एसोसिएट होगी डी ब्रोगली के कारण, डी ब्रोगली के अनुसार। एंड दिस वेव इज सुपरपोजिशन ऑफ मेनी वेव्स, ये वेव क्या होगी, बहुत से जो वेव है, बहुत सी जो तरंगे हैं उनके, उनसे सुपर वेव होगी, यानी कि उनसे मिली हुई होगी विद डिफरेंट वेवलेंथ, जिनकी सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। So in this wave packet, we have to know the position of moving electron. तो ये जो पूरा wave packet बनता है, इसमें हमें क्या है, इसकी position, हम एक electron की position हमें बतानी होती है। तो उस electron की position और संवेग एक साथ एक ही समय पर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कण जो होता है, यानी कि electron जो होता है, वो तरंग packet में कहीं भी हो सकता है, wave packet में कहीं भी हो सकता है। अर्थात कण की स्थिति तरंग packet की सीमाओं के बीच में अनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त चूंकि तरंग पैकेट समूह एक से आगे बढ़ता है, अपने कण के वेग और संवेग में भी अनिश्चितता होती है। अब यदि हम माने कि हम स्थिति ना तो स्थिति हम उससे निकाल पा रहे हैं यथार्थतापूर्वक, ना ही हम संवेग निकाल पा रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ एरर होती है, यानी कुछ ना कुछ गलती होती है, कुछ ना कुछ कमी होती है। तो यदि हम माने कि स्थिति में, स्थिति यदि हम एक्स मान लें, यानी कि पोजिशन एक्स मान लें, और उसमें जो कमी है वो क्या है, डेल्टा एक्स है, एरर क्या है, डेल्टा एक्स है, और मोमेंटम जो है एक्स डायरेक्शन में, पी एक्स यदि हम ले लें, उसमें एरर क्या मान लें, डेल्टा पी एक्स। दस तब द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स, यानी कि जो स्थिति में अनिश्चितता है डेल्टा एक्स, जो कि एक्स डायरेक्शन में है, और मोमेंटम यानी कि संवेग में जो अनिश्चितता है डेल्टा पी एक्स, जो कि जो ये भी एक्स डायरेक्शन में है, इन दोनों का यदि हम, इन दोनों को यदि हम गुणा करें, इन दोनों को गुणा करने पर एट द सेम इंस्टेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेल एच क्रॉस, तो ये जो हमें प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, स्थिति में अनिश्चितता यानी कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई संवेग में अनिश्चितता, मोमेंटम में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस। एच क्रॉस क्या होता है हमारा, एच जो प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है उसके अपॉन 2π। प्लैंक कॉन्स्टेंट कितना होता है, 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10^-34, 2π की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 3.14। तो ये जो वैल्यू हमारी एच क्रॉस की यहाँ पर निकल कर आती है वो क्या आती है, 1.054 × 10^-31 J/s। ये यहाँ पर आ गई हमारे पास एच क्रॉस की वैल्यू। तो ये जो अनिश्चितता होगी, यानी कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स को यदि हम गुणा करने पर जो अनिश्चितता होगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी एच क्रॉस के। अब यदि हम इसे थ्री डायमेंशन में मान लें, कोई भी पार्टिकल थ्री डायमेंशन में, यानी कि तीनों डायमेंशन में, तीनों निर्देशांकों में गति कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पहले एक्स डायरेक्शन में यदि हम ले लें डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस,
दूसरा वाई डायरेक्शन के लिए हो जाएगा डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस, और डेल्टा जेड यानी कि जेड डायरेक्शन में हो जाएगा डेल्टा जेड डॉट डेल्टा पी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के यानी कि अनिश्चितता सिद्धांत के, जो अलग अलग रूप होते हैं। ये एक तो होता है पोजिशन और मोमेंटम के बीच में, पहला जो होता है यानी कि स्थिति और संवेग के बीच में। दूसरा होता है एनर्जी और टाइम के बीच में यानी कि ऊर्जा और समय के बीच में। तीसरा जो होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में अनिश्चितता यानी कि कोणीय विस्थापन एवं कोणीय संवेग के बीच में अनिश्चितता। पहला जो यदि हम ले मोमेंटम एंड पोजिशन के बीच में जो अनिश्चितता होती है वो भी आपने देखा कि इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं इस अनिश्चितता सिद्धांत को, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस। अब यदि इस पे कोई न्यूमेरिकल आता है तो इसे एक्यूरेसी से हम यदि देखें, इस पे यदि कोई हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू को यदि अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू लिखें तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज लगभग बराबर यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन टू। सेम सेकेंड जो है वो है हमारा एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट स्टेट इन एनी साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम यानी कि एक ही बिल्कुल एक क्षण पर टाइम एंड द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की एनर्जी द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन प्लैंक कांस्टेंट एच क्रॉस यानी कि ऊर्जा ऊर्जा में अनिश्चितता और समय में अनिश्चितता का गुणांक यदि हम लें तो वह भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है एच क्रॉस के। तो इसे भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन टू। तीसरा जो आता है हमारा एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर पोजीशन अनसर्टेनिटी यानी कि कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग में अनिश्चितता। कोणीय विस्थापन को आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसके कई बार जे से डिनोट करते हैं, इसे आप एल से भी डिनोट कर सकते हैं डेल्टा एल डॉट डेल्टा थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे डेल्टा एल कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता, डेल्टा थीटा कोणीय संवेग में अनिश्चितता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन टू। इस पर जो अनिश्चितता होती है अनसर्टेनिटी, इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, आप लोगों को अनसर्टेनिटी दे देते हैं और एच क्रॉस या फिर आपको वैल्यू पता करनी होती है किसी भी एक चीज की। आपके पास एच क्रॉस अपॉन टू की वैल्यू होती है और किसी एक चीज में अनिश्चितता दे देते हैं और दूसरी चीज में अनिश्चितता पूछ ली जाती है। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके एप्लीकेशंस बहुत होते हैं अनिश्चितता सिद्धांत के, जो अनुप्रयोग है वो काफी होते थे। मेनली फोर एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फोर के अलावा भी बहुत होते हैं। पहला जो है वो है नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होना। नाभिक में हमें सबको पता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होता है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। पर इसे हम अनिश्चितता सिद्धांत से किस प्रकार से समझेंगे वो हम बताएंगे। दूसरा आता है इसमें हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो कितनी होती है। तीसरा हम इसे समझते हैं सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा यानी कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है। और चौथा होता है वर्णक्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार यानी कि नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब इसमें हम पहला जो पढ़ेंगे वो है नाभिकों में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होना यानी कि नाभिकों में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होता। तो इसे हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व होता है। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का यदि हम अस्तित्व माने, लेट अस अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, इट कैन बी एनीवेयर विद इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में कहीं भी हो सकता है, हमको पता है न्यूक्लियस में कहीं भी मीन्स न्यूक्लियस की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम फर्मी कोटि की होती है 10^-15 कोटि की होती है। तो 10^-15 कोटि की होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें उस फर्मी कोटि की जो त्रिज्या होती है उसमें कहीं भी हो सकता है, ठीक है। देयरफॉर द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इन द पोजीशन यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस न्यूक्लियस के त्रिज्या के अंदर कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब उसकी जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी, अनिश्चितता होगी, डेल्टा एक्स होगा, वो किस कोटि का होगा, फर्मी कोटि का होगा, क्योंकि वो इसकी जो त्रिज्या होती है न्यूक्लियस की वो फर्मी कोटि की होती है।
तो अब हम क्या मानते हैं कि स्थिति में अनिश्चितता, जो इलेक्ट्रॉन जिसे हम नाभिक के अंदर मान रहे हैं उसकी स्थिति में जो अनिश्चितता होती है वो किस कोटि की होती है, फर्मी कोटि की होती है। इसे हम मान लेते हैं ये कितनी होती है, 5 × 10⁻¹⁵ मीटर, क्योंकि एक फर्मी इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻¹⁵ मीटर। और इसे न्यूमेरिकली यदि हम सॉल्व करेंगे आगे तो इसके लिए हम यहाँ पे 5 × 10⁻¹⁵ मीटर ले लेते हैं। देन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अब यहाँ पे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यदि हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन टू। डेल्टा पी एक्स की यदि हम वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा, एच क्रॉस अपॉन 2 × डेल्टा एक्स। एच क्रॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.054 × 10⁻¹⁴। अभी हमने पीछे निकाली थी एच क्रॉस इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन 2π। तो एच क्रॉस की यदि हम वैल्यू निकालें तो ये हमें ये प्राप्त होती है अपॉन 2 × डेल्टा एक्स, यानी कि स्थिति में अनिश्चितता जो कि यहाँ पर भी हमें दी हुई है 5 × 10⁻¹⁵। इस प्रकार से हमें पी मिनिमम यानी कि संवेग जो मिनिमम हमें प्राप्त होगा क्या होगा, 1.054 × 10⁻²। इससे हम क्या निकालेंगे, मिनिमम ऊर्जा, मिनिमम ऊर्जा की वैल्यू यानी कि मिनिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी, पी मिनिमम मल्टीप्लाई बाई सी। तो ये हमारे पास कितना होगा, 1.054 × 10⁻²। तो ये कितना हो जाएगा, 3.162 × 10⁻¹² जूल, यानी कि 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में है। जूल को अगर यदि हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की वो मिनिमम एनर्जी आ गई जिससे कि वो उस न्यूक्लियस में रह सके। इट मीन्स इफ द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस इट मस्ट हैव ए मिनिमम एनर्जी ऑफ 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कब एमिट होते हैं, बीटा डीके यहाँ आगे बढ़ेंगे, बीटा डीके जब होता है, बीटा का क्षय जब होता है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और वो उनके पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, लगभग 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं होती है। तो ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत ज्यादा होती है। इससे ये प्रूफ होता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व होता है। दिस प्रूव्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। सेकेंड जो एप्लीकेशन को आता है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु एक्चुअल में होता क्या है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का होता है। इसमें क्या मानते हैं हम कि इसका एक यहाँ पर एक आपको हाइड्रोजन एटम दिखाया गया है, इसमें क्या है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इसकी जो त्रिज्या मानी है हमने पूरे परमाणु की वो कितनी है, आर है। न्यूक्लियस की त्रिज्या जो होती है 10⁻¹⁵ कोटि की होती है। इस पूरे परमाणु की जो है एक चक्कर लगा रहा है, इसकी 10⁻¹⁰ कोटि की होती है। लेट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने क्या मान लिया, एम है, और लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग कितना है, पी है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यदि हम यहाँ पे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लगाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन टू। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज आर, माना हमने रेडियस कितनी है, जो सर्कुलर ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो सर्कुलर है जिस पे चक्कर लगा रहा है, इसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली, आर मान ली। तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आर। तो डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच क्रॉस अपॉन टू आर। तो यहाँ पर कितना होगा, हमें एच क्रॉस को हम क्या लिखेंगे, एच अपॉन 2π। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा, एच अपॉन 4πr। एच की वैल्यू कितनी होगी, 6.6 × 10⁻¹⁴। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे पाई की और आर की, 4 × 3.14 × r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻¹⁰। तो ये हमारे पास सॉल्व करने पर आएगा 5.2 × 10⁻²⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो टोटल एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम की होगी, इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का टोटल होगा। गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है,
पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे पास माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगी। क्यों? दो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। चार्ज पार्टिकल्स के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, के क्यू वन मल्टीप्लाई बाई क्यू वन यानी कि एक चार्ज, क्यू टू दूसरे चार्ज अपॉन r, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्यू वन हमारे पास क्या है, जेड ई, और Q2 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन यानी कि E। Z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, 1। तो फिर ये हमारे पास कितना प्राप्त होगा, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम यदि हम यहाँ से निकालें तो हमें क्या प्राप्त होगा, P की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, 5.2 × 10⁻²⁷ का होल स्क्वायर अपॉन 2 × m। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कि हमारे पास कितना होगा, 9.1 × 10⁻³। इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.5 × 10⁻¹⁹ जूल। ये लगभग हमारे पास कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि हम इसे कन्वर्ट करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी यदि मिनिमम निकालें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या प्राप्त होता है, यहाँ से माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻¹। इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही प्राप्त होता है। E की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ का माइनस 19 का स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻¹⁰। तो ये हमारे पास कितना होगा, −14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की मूल स्तर ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम की मूल स्तर ऊर्जा टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हमने जो काइनेटिक एनर्जी निकाली मिनिमम वो कितनी निकाली, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो हमने यहाँ पर मिनिमम निकाली है वो कितनी निकाली है, 14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, −13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि हाइड्रोजन एटम की मूल स्तर ऊर्जा कितनी होती है, फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, तो ये हमें प्राप्त होती है। सो द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज −13.6। तो ये थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जो दो एप्लीकेशन थे वो थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो हाइजेनबर्ग के और बाकी बचे हुए प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।